एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में। न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं किसे कहते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस वजह से क्या होगा, ब्लैडर के फंक्शन हैं जो लॉस हो जाते हैं या ब्लैडर है जो प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, या कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या है इसके। अल्जाइमर डिजीज़ भी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है जो कि एसिटिल कोलेन की कमी से होती है। इसके अलावा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ट्यूमर, पार्किंसन डिजीज़, स्पाइनल कोड इंजरी, नर्व डैमेज ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरी, मतलब पेल्विक सर्जरी के दौरान अगर नर्व डैमेज हो जाए तो ये सब सारी कंडीशन क्या कोज कर सकती है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन कोज कर सकती है। ये कारण हो सकते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर को कोज करने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन मेनली हम पढ़ते हैं। एक है स्पास्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर, एक होता है फ्लेसिड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। स्पास्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्या होता है कि पेशेंट को कंट्रोल नहीं रहता है, यूरिन अनकंट्रोल्ड हो जाता है और फ्रीक्वेंटली एक्सपल आउट हो जाता है यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ब्लैडर के थ्रू फ्रीक्वेंटली यूरिन है जो एक्सपल आउट हो जाएगा। ये किस वजह से हो सकता है, अगर ब्रेन डैमेज हो जाए या फिर स्पाइनल कोड डैमेज हो अबव T12 से, थोरेक्सिक जो वर्टिब्रा है 12th उससे ऊपर अगर क्या हो जाए, स्पाइनल कोड डैमेज हो, तो स्पेस्टिक न्यूरोजेनिक की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेसिड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इसके अंदर क्या होता है कि जो लोअर मोटर फंक्शन होते हैं या न्यूरोन होते हैं उनके अंदर क्या हो जाए, अगर कोई ट्रोमा वगैरह हो जाए तो फ्लेसिड न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन कोज कर सकते हैं। जैसे कि या तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो या फिर S2 से S4, सेक्रम 2 से सेक्रम 4 की जो नर्व स्पाइनल कोड है वो डैमेज हो जाए, तो उस वजह से फ्लेसिड न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अदर क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो इसमें 5 हम अदर क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं। इनके बारे में डिटेल में हमने नहीं लिखा है क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट है अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ये कंडीशन ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है, इन्फेंट के अंदर। इसके अलावा सेंसरी पैरालिसिस न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसमें पेशेंट को सेंसेशन नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर उसका मतलब ब्लैडर है जो फुल हो जाएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ब्लैडर यूरिन से फुल हो रखा है। मोटर पैरालिसिस न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसके अंदर पेशेंट के मोटर फंक्शन है जो लॉस हो जाते हैं। ऑटोनोमस न्यूरोजेनिक ब्लैडर और रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक ब्लैडर, मतलब कोई भी पेशेंट को रिफ्लेक्स का मतलब सेंसेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्स फील नहीं होगा पेशेंट के अंदर, रिफ्लेक्स है जो लॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, ये पूरा हमने टॉपिक पढ़ रखा है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, पेशेंट का खुद के ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ ब्लैडर फुलनेस, अगर ब्लैडर फुल हो जाए तो भी पेशेंट को सेंसेशन नहीं होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, या बर्निंग सेंसेशन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान, मतलब उसे हम क्या कहेंगे, डिश्यूरिया कहते हैं। इसके अलावा UTI, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, एडिमा मेनली देखने को मिलता है लोअर लेग के अंदर, एंकल्स के अंदर देखने को मिलेगा, और बैक पेन, ये साइन एंड सिम्टम है जो हमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कौन कौन सी जांचें हम करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करवाते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन और कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी हम इस कंडीशन में करते हैं। न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी हमें करने हैं, क्योंकि ये कंडीशन किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। रीनल
अल्ट्रासोनोग्राफी, इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं। इसके अलावा सिस्टोग्राफी, सिस्टोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, ये भी एक प्रोसीजर है, फंक्शन चेक करते हैं ब्लैडर के। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी भी एक प्रोसीजर है जिसमें ब्लैडर एंड यूरेथ्रा को सिस्टोस्कोप की सहायता से विजुअलाइज किया जाता है। सिस्टोमेट्रोग्राफी क्या होता है, सिस्टोमेट्रोग्राफी में पेशेंट के ब्लैडर की कैपेसिटी चेक की जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट को एंटीबायोटिक है जैसे सिप्रोफ्लोक्सोसिन है प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीमेटिक्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ब्लैडर को रिलैक्स करने के लिए, जैसे कि ऑक्सीब्यूटीन है जो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं। इसके अलावा एंटी स्पाजमोडिक ड्रग हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं जैसे डाइसाइक्लोमाइन है, और एंटीसेप्टिक प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम अदर ट्रीटमेंट की बात करें तो अदर ट्रीटमेंट के अंदर रीनल फंक्शन को मॉनिटर करना है और यूटीआई को कंट्रोल करना है। फिजिकल एंड साइकोलॉजी थेरेपी देनी है पेशेंट को। ब्लैडर इवैक्यूएशन के लिए हम तीन टेक्निक है जो यूज करते हैं, एक तो क्रेड मैन्यूवर, एक वेसलो मैन्यूवर, इसके अलावा पेशेंट को सेल्फ कैथेटराइजेशन टेक्निक है जो सिखाई जाती है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर कुड लीड टू रीनल डिजीज। न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या कोज कर सकता है, रीनल डिजीज भी कोज कर सकता है, जैसे कि रीनल फेलियर कोज कर सकता है। अगर पेशेंट को रीनल फेलियर हो गया, मतलब न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन अगर लॉन्ग टाइम तक रहती है तो रीनल फेलियर भी हो सकता है, और रीनल फेलियर को ट्रीट करने के लिए हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या फिर आगे की लाइफ मेंटेन रखने के लिए डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट का जो यूरिन की रेजिडुअल वॉल्यूम है वो चेक करनी है, मॉनिटर करनी है, वाइटल साइन चेक करने हैं। इसके अलावा पेशेंट को रीनल कैलकुलाई से रिलेटेड कोई साइन एंड सिम्टम तो शो नहीं हो रहे, वो भी मॉनिटर करने हैं, और यूटीआई से रिलेटेड अगर कोई साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं तो वो भी हमें मॉनिटर करने होते हैं, जैसे कि पेशेंट के यूरिन का कलर देखना है, ऑर्डर देखना है, वॉल्यूम कितना है, पेशेंट को अर्जेंसी की कंप्लेन है क्या, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, एंड इनकॉन्टिनेंस की अगर कंडीशन है तो वो हमें असेस करनी है। पेशेंट को डाइट के अंदर फ्लूइड भी देना है ज़्यादा मात्रा में, इसके अलावा विटामिन सी भी हम प्रोवाइड करते हैं। फ्लूइड ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए। असेस वॉइडिंग पैटर्न एंड डेवलप ए शेड्यूल ऑफ फ्रीक्वेंट टाइम्ड वॉइडिंग। पेशेंट के लिए एक फिक्स शेड्यूल है जो तैयार करना है हमें, कि उसी टाइम यूरिन है जो पास आउट करे, जैसे एवरी 2 आवर्स में, 1 आवर्स में। नेक्स्ट है टीच अबाउट केगल एक्सरसाइज। केगल एक्सरसाइज के बारे में पेशेंट को हम बताएंगे या सिखाएंगे पेशेंट को, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था केगल एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्किन एंड पेरिनियल केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट की फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज करनी है, और पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट है जो स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है। ये चीज़ें मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ कि मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, कोई भी पेशेंट हो, स्पेसिफिक रीनल का कोई भी पेशेंट हो, तो उसके अंदर आपको इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है जो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होता है। सो थैंक यू।